और टू डिलीट इंस्टाग्राम अकाउंट। जी हाँ, आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं परमानेंटली, तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं परमानेंटली। तो वीडियो आपको पूरा देखना है विदाउट स्किप किए। पहली बार हमारे चैनल बिजटेक पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको अपना स्नैपचैट अगर अकाउंट डिलीट करना है तो सबसे पहले आपको अपने स्नैपचैट ऐप को ओपन करना है, फिर अपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है। फिर आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने मिलेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर सेटिंग बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा आपका जो सेटिंग का ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन सीधे करना है, नीचे तरफ चले जाना है और नीचे तरफ यहाँ पर सपोर्ट का एक ऑप्शन दिखता है, यहाँ पर आपको आई नीड हेल्प पर क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन को आपको चूज करना है और यहाँ पर जैसे आप ओपन करेंगे इस ऑप्शन को, फिर देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने मिल रहे हैं, जिसमें आई लॉस्ट माई स्नैपचैट स्ट्रीक, तो आपको यहाँ पर मैनेजिंग माई अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे फिर देखेंगे फिर से इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर डिलीट और रीएक्टिवेट माई अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। जी हाँ, सेकंड पे आपको मिलेगा, सेकंड नंबर पे डिलीट और रीएक्टिवेट माई अकाउंट पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। फिर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं फिर से दो ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो गए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ डू आई डीएक्टिवेट और डिलीट माई स्नैपचैट अकाउंट, और साथ में हाउ डू आई रीएक्टिवेट स्नैपचैट अकाउंट। तो हमें यहाँ पर एक्टिवेट रीएक्टिवेट नहीं करना है, यहाँ पर हमें अपना डीएक्टिवेट और साथ में डिलीट भी करना है अकाउंट को। तो यहाँ पर आपको अपने फर्स्ट वाले नंबर को चूज कर लेना है। यहाँ जैसे आप चूज करते हैं देख सकते हैं हाउ डू आई डीएक्टिवेट और डिलीट माई स्नैपचैट अकाउंट, ये ऑप्शन दिख रहा है। फिर यहाँ पर कॉन्टैक्ट सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है और उसके नीचे जब आप क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन दिखते हैं, एक एंड्रॉयड का सिंबल बना रहता है, नीचे यहाँ पर iOS का सिंबल बना रहता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एंड्रॉयड के लिए अलग टाइप कर यहाँ पर स्नैपचैट अपने अकाउंट को डिलीट करवाता है, दूसरा आईफोन के लिए या iOS के लिए जो है अलग टाइप का यहाँ पर पोर्टल उन्होंने बनाया हुआ है डिलीट करने के लिए। तो आप अगर एंड्रॉयड यूजर हैं तो यहाँ पर ऊपर वाले पर क्लिक करेंगे, अगर आईफोन यूजर हैं तो आप नीचे वाले पर क्लिक करेंगे iOS के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं आईफोन के लिए और एंड्रॉयड के लिए दोनों अलग अलग बनाए हैं। तो मैं यहाँ पर एंड्रॉयड पर कर रहा हूँ, तो यहाँ देख सकते हैं लॉग इन इन टू द स्नैपचैट अकाउंट पोर्टल, इस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करते हैं फिर हम देख सकते हैं यूजर नेम मांग रहा है, तो आपको क्या करना है, अपना यूजर नेम डाल देना है। तो मैं अपना यूजर नेम यहाँ पर डाल देता हूँ इस तरह से, और उसके बाद अपना यूजर नेम डाल के यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगी। यहाँ आप अपना फ़ोन नंबर भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास फ़ोन नंबर है। उसके बाद आपको अपना यहाँ पर पासवर्ड डालना है, तो मैं अपना यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ। कहिए हम मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया। जैसे मैंने यहाँ पर पासवर्ड डाला, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन अब देखने को मिल रहा है माई डाटा स्नैप कोड, और साथ में यहाँ पर देख सकते हैं नीचे तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर डिलीट माई अकाउंट का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से अगर आप अपने अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्लिक किया हुआ है तो ये ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर डिलीट वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। तो मैंने यहाँ पर डिलीट माई अकाउंट पर क्लिक कर दिया, अब देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा इस तरह से, और यहीं से आपका अकाउंट जो है डिलीट हो जाएगा परमानेंटली। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ, अगर आप अपने अकाउंट को डिलीट कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 30 डेज तक जो है लॉगिन नहीं करना है अपने स्नैपचैट यहाँ पर एप्लीकेशन में। आपको अपने स्नैपचैट अकाउंट को अनइंस्टॉल कर देना अपने फ़ोन के अंदर से, कभी भी आपको 30 दिन के अंदर लॉगिन नहीं करना है। अगर आप इन फ्यूचर कभी भी आप अपने 30 डेज के अंदर आपने अगर लॉगिन कर दिया तो आपका अकाउंट यहाँ पर रीएक्टिवेट हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात कि आपको लॉगिन नहीं करना है, फिर आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट यहाँ पर डिलीट हो जाएगा परमानेंटली। इस तरह से आप अपने अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।